विजेंद्र कुमेरिया ने स्ट्रगलिंग एक्टर्स पर कही बड़ी बात। फेक कास्टिंग कॉल को लेकर विजेंद्र ने तोड़ी चुप्पी। क्या विजेंद्र हुए फेक कास्टिंग कॉल का शिकार? क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान टीवी के जाने माने अभिनेता विजेंद्र कुमेरिया भी नकली कास्टिंग काउच कॉल का शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें एक वेब सीरीज में किरदार करने के लिए एक फोन आया। उस फोन करने वाले का कहना था कि वो अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज के लिए एक अभिनेता की तलाश कर रहे हैं। विजेंद्र ने अपनी कहानी अमर उजाला को बताते हुए कहा, मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 8 से 9 साल बीत चुके हैं और मैं लगभग हर टीवी निर्माता को जानता हूँ। मुश्किल तब पैदा हो जाती है जब किसी OTT या फिल्म के लिए ऑफर आए, क्योंकि मैंने अभी ऐसी किसी भी जगह पर काम नहीं किया है। जिस बंदे ने मेरे पास फोन किया वो काफी पेशेवर लग रहा था। उसने मुझे उस वेब सीरीज की पटकथा भी भेजी और मेरा किरदार भी समझाया, तो मुझे उस पर यकीन हो गया। जब मैंने अपने कुछ वीडियोस भेजने के लिए उसकी ईमेल आईडी मांगी तो उसने कहा कि मैं उसे व्हाट्सएप पर ही भेज दूं। मुझे शक तब हुआ जब उसने कुछ फोटोज बिना कपड़ों के खींच कर भेजने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी एक असली कास्टिंग डायरेक्टर कभी भी इस तरह के फोटोज और वीडियोज भेजने के लिए नहीं बोलता है। मैंने उसे तुरंत फोन और मैसेज ना करने के लिए चेतावनी दी। विजेंद्र ने आगे कहा, वो लगातार कहता रहा कि ये कोई फेक कॉल नहीं है, मैं उसे गलत समझ रहा हूँ। अगर मैं उसे ऐसे फोटोज भेजने में असहज महसूस कर रहा हूँ तो रहने दूँ। हालांकि मुझे इससे पहले भी कई इस तरह के फोन और मैसेज आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अनदेखा किया है। विजेंद्र कहते हैं, ये बंदा बहुत पेशेवर लग रहा था, इसलिए मैं उसकी चाल को समझ नहीं पाया। सिर्फ मैं ही नहीं, इस इंडस्ट्री के कई और अभिनेताओं को भी ठीक वही पटकथा कुछ अलग नामों से भेजी गई। वो लोग मीडिया में नहीं बताना चाहेंगे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता। ये फर्जी लोग जानते हैं कि कलाकारों को इस महामारी की वजह से काम की कितनी जरूरत है, वो इसी बात का फायदा उठाना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, क्या कहना चाहेंगे आप विजेंद्र के स्टेटमेंट पर, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस।